सब्सक्राइब करिए नॉलेज वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नॉलेज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के कुछ खोए हुए इतिहास के पन्नों के बारे में। वैसे तो ग्वालियर जिला अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, इस जिले की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, लेकिन इस जिले के कुछ खोए हुए इतिहास के पन्ने हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। ग्वालियर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है। भौगोलिक दृष्टि से ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर में स्थित है। यह शहर और इसका प्रसिद्ध दुर्ग उत्तर भारत के प्राचीन शहरों के केंद्र रहे हैं। यह शहर गुर्जर, प्रतिहार, राजवंश, तोमर तथा बघेल कछुआओं की राजधानी रहा है। इनके द्वारा छोड़े गए प्राचीन चिन्ह स्मारकों, किलों, महलों के रूप में मिल जाएंगे। सहेज कर रखे गए अतीत के भव्य स्मृति चिन्ह इस शहर को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। ग्वालियर, ग्वालियर किले में चतुर्भुज मंदिर एक लिखित संख्या के रूप में शून्य की दुनिया की पहली घटना का दावा करता है। हालांकि पाकिस्तान में भगशाली शिलालेख की खोज होने के बाद ये दूसरे स्थान पर आ गया। ग्वालियर का सबसे पुराना शिलालेख हुर शासक मिहिर कुल की देन है, जो 6वीं सदी में यहाँ राज किया करते थे। सन 1231 में इल्तुतमिश ने 11 महीने के लंबे प्रयास के बाद ग्वालियर पर कब्जा कर लिया और तब से 13वीं शताब्दी तक ये मुस्लिम शासन के अधीन रहा। 1375 ईस्वी में राजा वीर सिंह को ग्वालियर का शासक बनाया गया और उन्होंने तोमर वंश की स्थापना की। उन वर्षों के दौरान ग्वालियर ने अपना फ्यूचर काल देखा। इसी तोमर वंश के शासन के दौरान ग्वालियर किले में जैन मूर्तियाँ बनाई गई। राजा मानसिंह तोमर ने अपने सपनों का महल मैन मंदिर पैलेस बनाया, जो अब ग्वालियर किले में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। बाबर ने इसे भारत के किलों के हार में मोती और हवा भी इसके मस्तक को नहीं छू सकती के रूप में वर्णित किया था। बाद में 1730 के दशक में सिंधियों ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश शासन के दौरान यह एक रियासत बना रहा। 5वीं शताब्दी तक शहर में एक प्रसिद्ध गायन स्कूल था जिसमें तानसेन ने भाग लिया था। ग्वालियर पर मुगलों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया और फिर मराठों ने किया। ग्वालियर 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर ने भाग नहीं लिया था, बल्कि यहाँ के सिंधिया शासक ने अंग्रेजों का साथ दिया था। झांसी के अंग्रेजों के हाथ में पड़ने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर भागकर आ पहुंची और वहाँ के शासक से उन्होंने पनाह मांगी। अंग्रेजों के सहयोगी होने के कारण सिंधियों ने पनाह देने से इनकार कर दिया, किंतु उनके सैनिकों ने बगावत कर दी और किले को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ ही समय में अंग्रेज भी वहाँ आ पहुंचे और भीषण युद्ध हुआ। महाराजा सिंधिया के समर्थक के साथ अंग्रेज 1600 थे जबकि हिंदुस्तानी 20,000। फिर भी बेहतर तकनीक और प्रशिक्षण के चलते अंग्रेज हिंदुस्तानियों पर हावी हो गए। मार्च 1858 में रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों से लड़ते हुए ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हो गई। वहीं तात्या टोपे और नाना साहब वहाँ से फरार होने में कामयाब रहे। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान आज भी पूरे भारत में याद किया जाता है। ग्वालियर किला, इस किले का निर्माण किस सन में करवाया गया इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है, पर स्थानीय लोगों के अनुसार इसका निर्माण ग्वालिपा के नाम पर बनवाया था, जो कि एक साधु थे। कहा जाता है कि इसी साधु ने तालाब का पवित्र जल पिलाकर राजा सूरज सेन को कुष्ठ रोग से निजात दिलाया था। इसी के साथ उस साधु ने राजा को पाल की उपाधि से नवाजा और कहा जब तक इस उपाधि को राजा अपने नाम के साथ लगाएंगे तब तक ये किला उनके पास ही रहेगा, मतलब कोई दूसरा राजा उनको नहीं हरा पाएगा। इसी के साथ सूरज सेन ने 83 उत्तराधिकारियों के पास ये किला रहा और 84वें उत्तराधिकारी के समय किले को हार गए। 11वीं शताब्दी में मुस्लिम राजाओं ने इस किले को हथियाने के लिए हमला किया। इसी दौरान महमूद गजनी ने इस किले को अपने कब्जे में लिया, पर 40 हाथियों के बदले इसे फिर से वापस कर दिया। 1398 में यह किला तोमर राजपूत वंश के नियंत्रण में चला गया। इसी दौरान इन्होंने किले के अंदर कुछ निर्माण करवाए, पर 1505 में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने किले पर कब्जा करने के लिए हमला किया, पर वह कब्जा करने में असफल रहे और 1516 में सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी ने फिर से इस किले पर हमला किया और मानसिंह तोमर की मृत्यु हो गई। इसी के साथ इब्राहिम लोदी ने इस पर राज किया। दोस्तों, अगर आप लोग कभी ग्वालियर जिला घूमने गए हैं तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और खुदा हाफिज दोस्तों।